Hello everyone, and in this video you will learn the meaning of once in a blue moon. तो once in a blue moon को हम sentence में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका meaning क्या है, ये आप इस video में सीखेंगे. तो सबसे पहले आप इसका meaning समझिए. Once in a blue moon का मतलब होता है rarely, not very often, बहुत कभी कभार, बहुत कम बार. यानी when something happens once in a blue moon, it means that it happens rarely. अगर कोई चीज़ वंस इन अ ब्लू मून होती है, यानी वो चीज़ बहुत कम बार होती है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से इसे समझेंगे. सीता कॉल्स मी वंस इन अ ब्लू मून, यानी सीता मुझे बहुत कम फोन करती है, तो सीता कॉल्स मी वंस इन अ ब्लू मून. माई सिस्टर लिव्स इन मुंबई, मेरी सिस्टर मुंबई में रहती है, सो आई गेट टू सी हर वंस इन अ ब्लू मून, तो मैं उनसे बहुत कम मिल पाता हूँ, बहुत ही कभी कभार मिल पाता हूँ. Does your husband cook food for you? क्या तुम्हारे husband तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं? Oh yeah, once in a blue moon, यानी बहुत कम बनाते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, but बहुत rarely, बहुत कम. अब इसका origin अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका origin कहीं भी clear नहीं है. पहली बात तो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि blue moon होता है अगर same calendar month में कब जो दूसरा वाला full moon होता है अगर वो आ जाए. देखो, एक कैलेंडर मंथ में एक फुल मून तो होता ही है, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब दूसरा फुल मून भी सेम कैलेंडर मंथ में आ जाए. जो दूसरा फुल मून होता है उसको कहते हैं ब्लू मून. और ये कहते हैं कि बहुत टाइम बाद आता है, काफी महीनों बाद आता है, काफी सालों के बाद ऐसा होता है कि जब सेम कैलेंडर मंथ में एक से ज्यादा यानी दो फुल मून होते हैं, तो जो दूसरा वाला फुल मून होता है उसे कहते हैं ब्लू मून. तो यानी ये घटना बहुत कम बार होती है, तो इसलिए कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून. और कुछ लोग इसको कहते हैं कि जो मून है उसका कलर एक्चुअल में ब्लू नहीं दिखता है, बहुत कम ऐसा होता है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जब उसका कलर हल्का सा ब्लू दिखता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून. बट मीनिंग जहां ये इडियम जहां से भी आया हो, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज में आने वाली इडियम है. और आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा. तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.